डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे साथ पिछला बार भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरा एल्बिनो फुल रेड का जो फैक्ट्री है, मतलब जो ब्रीडिंग टैंक है उसको मैं फैक्ट्री बोलता हूँ, तो वो फैक्ट्री पूरा गंदा हो चुका है। तो उसी फैक्ट्री को आज हम लोग साफ करने वाले हैं साइफोन करके। साइफोन का मतलब होता है कि इस तरीके से एक पाइप से पानी निकलेगा और वो पानी पूरा जो गंदगी है उसको निकाल लेगा। तो यह प्रोसेस आप लोग अपने घर पे टैंक में किस तरीके से करोगे वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और पूरा टैंक को साफ करने के बाद थोड़ा सा पानी तो बाहर निकल गया है, तो आप लोगों को पानी डालना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों यूज़ करता हूँ 7 से 8 दिन पुराना पानी, और उस पानी में दोस्तों मैं डायरेक्ट डाल नहीं देता हूँ, और उससे पहले मैं एक गोली खाता हूँ। क्या गोली खाता हूँ वो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। एंड उस पानी को ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा उसमें मेडिसिन वगैरह ऐड करता हूँ। और ये जो मेडिसिन मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मेडिसिन अगर सर्दी के मौसम पर आप अपने मछली के टैंक पर डालोगे तो मछली में कोई भी बीमारी नहीं लगेगा। इसका क्वांटिटी दोस्तों आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो दोस्तों गप्पी बीडर के लिए, जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में गप्पी बीड करना चाहते हो उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना दोस्तों, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसी तरीके का यूनिक वीडियो मेरे इस चैनल पर आता रहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये टैंक दिखा देता हूँ, कितना गंदा है टैंक देखो। मेरे को बहुत दिनों से टाइम नहीं मिला है ये टैंक को साफ करने के लिए, तो मेरा टैंक पूरा ये गंदा हो चुका है। तो ये टैंक को आज दोस्तों हम लोग साफ़ करेंगे। साफ किस तरीके से करेंगे, टैंक पे हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, टैंक साफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ दोस्तों क्या ये पूरा प्रोसेस है। तो वहाँ पर दोस्तों जो पाइप आप लोगों ने देखा, वो पाइप मैंने ये दीवार को छेद करके बाहर निकाल लिया है। ये देखो दीवार के बीच में से निकल रहा है, ये वही वाला पाइप है जो पानी में डूबा हुआ था। तो यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पानी खींचूँगा, खींचने के बाद पानी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आता रहेगा। तो आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये पाइप के अभी पानी आ रहा है, ये देखो तो पाइप से ही पानी आ रहा है। ये पाइप को मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये गमले में रख दूँगा। ये गमले में रखने का रीज़न एक ही है, पानी के साथ अगर कोई मछली का फ्राई चला जाएगा तो वो फ्राई जो है वो गमले में अटक जाएगा। मैं बाद में वो फ्राई को कलेक्ट करके इसी टैंक पे रिलीज़ कर दूंगा। तो देखो किस तरीके से मैं साफ़ कर रहा हूँ, मैं जो पाइप का एंड हिस्सा है उसको मैं गंदगी के सामने ले जा रहा हूँ। पानी जो निकल रहा है वो सब गंदगी को लेके अपने साथ बहा के ले जा रहा है। और ये जो पाइप है उसमें मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया है, बाँस का जो पतला हुआ एक हिस्सा है जिसको बांग्ला में कोंची बोला जाता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, जो मैंने लकड़ी का टुकड़ा यूज़ किया है वो बांस का एक पतला हिस्सा है, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करो भाई। मैं देखता हूँ किस किस को हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान है, ज़्यादातर लोग तो हिंदी का ही है। आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग को तो हिंदी में मास्टर हो, मेरे को बताओ क्या बोलते। तो फिलहाल दोस्तों ये टैंक आधा क्लीन हुआ है, अभी भी बहुत सारा गंदगी है, आधा नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा कि 4 भाग का 1 भाग कंप्लीट हो चुका है। और पानी दोस्तों इसमें से मैं निकालने वाला हूं, क्योंकि ये पानी जो है मैं थोड़ा सा रिप्लेस करने वाला हूं, मतलब 50% वाटर चेंज भी होगा, नीचे का गंदगी जो है वो 90% साफ हो जाएगा। तो ये देखो कितना सारा गंदगी निकला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये टैंक को साफ़ करने के लिए टोटल 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों मैंने देखो ऑलमोस्ट गंदगी को साफ़ कर लिया है, मगर अभी भी ये जो पिंजरा है जो ब्रीडिंग केज है उसके नीचे बहुत सारा गंदगी है, क्योंकि ब्रीडिंग केज जहाँ पे रहता है उसके नीचे बहुत सारा गंदगी होता है। तो मैं हाथ से पानी को थोड़ा सा फटकारे लगा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है जो गंदगी है वो इधर चला आएगा। तो फिर से दोस्तों मैं वही करके जो पाइप से मैं निकाल रहा था उस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब पूरा जो प्रोसेस है वो तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, पूरा प्रोसेस मैंने कर लिया है। और वो करते करते दोस्तों 1.5 घंटा टाइम तो लग ही गया था, तो शाम भी हो गया है, देखो अभी शाम का टाइम है, पूरा दोस्तों अंधेरा हो गया है। अभी दोस्तों मैं पानी उठा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो पानी पाइप से निकल के बाहर चला गया है वो पानी ऊपर से मेरे को भरना पड़ेगा। और वो पानी दोस्तों भरने के लिए मैं पुराना पानी यूज़ करता हूँ, मिनिमम 7 से 10 दिन पुराना पानी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये जो टैंक्स देख रहे हो 4 टैंक, यहाँ पे मैं पानी स्टोर करता हूँ, यही से मैं पानी उठाता हूँ जब भी मेरे को ज़रूरत होता है। कोई भी टैंक में अगर ज़रूरत होता है तो पानी उठा लेता हूँ। और देखो कितना सारा गंदगी आया है,
टोटल दोस्तों ये 3 गमला जो है वो गंदगी आया है। तो ये सब गंदगी को क्या करूँगा दोस्तों, मैं पेड़ में डाल दूंगा। मेरा कुछ आलमंड लीव है जो इंडियन आलमंड लीव बेटा फिश में यूज़ होता है, वो इंडियन आलमंड लीव का कुछ मैंने पेड़ लगाया है, तो उसके जर में लगा मतलब दे दूंगा। जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रिएंट्स है, उसमें खाद हो जाएगा पेड़ के लिए, थोड़ा सा पेड़ को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। कोई भी जो पानी है वो वेस्ट नहीं होता है। और मछली का जो पूप मैंने दिखाया उस पानी में अच्छा खासा ब्लड वर्म भी कल्चर होता है, मछली का ही पॉटी से मछली का ही खाना कल्चर कर सकते हो। तो ऐसा वीडियो चाहते हो भाई बताओ मेरे को, कमेंट करो तो आप लोगों को बताऊंगा वो वाला वीडियो में। एंड ये वाला जो गोली है किस किस ने खाया है मेरे को बताओ। ये एक्चुअली इमली का बना हुआ एक कैंडी है जिसके ऊपर शुगर का एक कोटिंग होता है, तो किस किस ने ये कैंडी खाया है मेरे को बताओ। मैंने तो अपना खा लिया है, अभी प्रीतम जो है वो कैमरा पकड़ा हुआ है तो उसका हिस्से का मैंने उसका हाथ में दे दिया कैमरे के सामने ही, तो आप लोगों को मैंने भी थोड़ा सा पूछ लिया। तो फिलहाल दोस्तों मैंने बहुत सारा रॉक सॉल्ट खरीद के लाया हूँ। ये रॉक सॉल्ट मेरे यहाँ पे 8 से 10 रुपए पे मिल जाता है, तो ये वाला रॉक सॉल्ट को मैं हाथ से तोड़ने वाला था मगर हाथ में मेरा लग गया। तो हाथ से दोस्तों मैं सबसे पहले इसको अच्छे से चूरन बना लूँगा एकदम पाउडर जैसा, उसके बाद मैं इसको पानी के साथ मिला के यूज़ करूँगा। तो ये एक एक पैकेट जो है वो 100 ग्राम करके इसमें रहता है शायद से, तो मैं पूरा का पूरा जो एक रॉक सॉल्ट का पैकेट है वो उसी पानी में ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी दोस्तों एक पैकेट रॉक सॉल्ट, एक पैकेट नहीं 2 पैकेट शायद रॉक सॉल्ट मैंने उसमें यूज़ किया था जब मैंने मछली को छोड़ा था। अभी दोस्तों पानी तो थोड़ा सा निकल गया है, निकालने के बाद मैंने एकदम जो नया पानी है वो उसमें डाल दिया है, तो वो पानी जो मैंने नया डाला है उसमें तो रॉक सॉल्ट एडेड नहीं है, तो उससे क्या होगा पानी का जो सैलिनिटी है मतलब जो सॉल्ट का क्वांटिटी पानी में रहता है वो कम हो जाएगा। तो अचानक से पानी का जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगा तो मछली को दिक्कत हो सकता है, मछली को सीमी भी हो सकता है। सीमी का मतलब होता है कि मछली जो है वो अचानक से कांपना स्टार्ट कर देगा। ये जो कांपने का बीमारी है गप्पी मौली बहुत ज़्यादा इसमें होता है, जो लाइव बियरर मछली होता है, लाइव बियरर मतलब जो डायरेक्ट बच्चा देता है वो सब मछली में बहुत ज़्यादा ये बीमारी होता है। तो ये सब बीमारी का एक ही इलाज है, बहुत सारा रॉक सॉल्ट पानी में डाल दो और ढेर सारा मिथनिल ब्लू जो ब्लू वाला मेडिसिन होता है वो महंगा वाला ही यूज़ करना, ठीक है। सस्ता वाला 10 रुपये वाला कोई काम का नहीं है, मिनिमम आप लोग थोड़ा सा महंगा 100-150 रुपये वाला यूज़ करो। मेरे पास से दोस्तों आप लोगों को रीडॉल का जो मिथनिल ब्लू है वो मिल जाएगा 150 रुपये में। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग पे ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। कोई भी मछली का मेडिसिन वगैरह चाहिए मेरे पास से मिल जाएगा, रॉक सॉल्ट भी मिल जाएगा। एक मिथनिल ब्लू खरीदोगे 150 रुपये वाला तो 10 रुपये का एक रॉक सॉल्ट मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैंने पूरा एक जो रॉक सॉल्ट का पैकेट है वो 10 लीटर पानी में, ये जो बाल्टी है 10 लीटर का है तो 10 लीटर वाले बाल्टी में पूरा अच्छे से मिला लिया है, और बाल्टी का जो पानी का कलर है देखो पूरा धुंधला हो चुका है। तो इसी पानी को दोस्तों मैं डायरेक्ट डालने वाला हूँ मेरा जो मछली का टैंक है उसमें, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैं उसमें डाल दूंगा। और मेरा फार्म अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ये देखो एक नया ब्रीडिंग केज मैंने बनाया है, नया ब्रीडिंग केज जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है 24 कैरेट गोल्डन के लिए। 24 कैरेट गोल्डन गप्पी का मेरे पास अभी टोटल 200 से 250 मतलब 200 से 250 के आसपास फ्राई है। मैं उसमें से 100 पेयर जो है वो सेल कर दूंगा और 70 पेयर या फिर 75 पेयर मैं खुद के ब्रीडिंग के लिए रख लूँगा। तो 24 कैरेट गोल्डन गप्पी का जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ के बीच में मैंने रखा है। तो किसी को भी अगर 24 कैरेट गोल्डन गप्पी चाहिए मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू। तो फिलहाल दोस्तों जितना भी रॉक सॉल्ट का मिक्सचर है वो हम लोग चारों तरफ से डालेंगे। चारों तरफ से डालने का रीज़न एक ही है, चारों तरफ दोस्तों बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह है क्योंकि मछली का जो पॉटी वगैरह है वो तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से उठा के फेंक दिया, तो नीचे का जो भी गंदगी या फिर जो भी बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हुआ था, बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन मतलब बैक्टीरिया जो भी नीचे जमा हो के अपना एक मतलब घर बना लिया था, मतलब कॉलोनी बना लिया था सीधी बात में, तो वो बैक्टीरिया का कॉलोनी तो ओपन हो गया है, तो वो सब बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। तो चारों तरफ से जो मैं रॉक सॉल्ट दे रहा हूँ उसी से दोस्तों वो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि पानी का जो सॉल्टनेस है वो ज़्यादा हो जा रहा है, और पानी का सॉल्टनेस अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो बैक्टीरिया में से जो पानी है वो ये खारा पानी सूख लेगा, तो पानी में रहने के बावजूद जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो सूख के मर जाएगा, उसके शरीर में से पानी निकल जाएगा, पानी में ही निकल जाएगा मगर वो बैक्टीरिया पानी में रहते हुए सूख के मर जाएगा। तो फिलहाल मेरा आलमंड फुल रेट का क्वालिटी तो देख लो, अभी आप लोगों को क्वालिटी कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ऊपर से अभी लाइट तो अच्छे से गिर नहीं रहा है और पानी का कलर भी थोड़ा सा रेडिश कलर में है, ऑरेंजिश कलर में, तो आप लोगों को थोड़ा सा पिंक कलर का दिखेगा मछली।
तो इसीलिए, और ऊपर से मेरा जो प्लास्टिक है वो भी थोड़ा सा पिंकिश कलर में है, तो मछली का कलर इसमें पता नहीं चलेगा। आप लोगों को मैं कोई और वीडियो में एक ग्लास टैंक पे आप लोगों को मछली को उठा के दिखाऊंगा। और बाहर जो सब फ्राई घूम रहा है वो सब फ्राई को मैंने उठाया नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो उठाऊंगा सब कुछ। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है, आप लोग देखो बहुत सारा मछली छोटा सा जगह में रख दिया मैंने, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मैंने दोस्तों जो नया बीडिंग केज लगाया है उसमें 24 कैरेट गोल्डन रखूंगा, मगर 24 कैरेट गोल्डन का पी थोड़ा सा टाइम लगेगा रखने के लिए, तो मैं उतने दिन तक दोस्तों यहाँ से आधा जो एल्बाइनो फुलटेड गप्पी है वो उठाऊंगा, आधा एल्बाइनो फुलटेड गप्पी उठा के वो बीडिंग केज में रख दूंगा। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 120 के आसपास पियर है, मतलब 120 पियर एल्बाइनो फुलटेड गप्पी है, ये 4 फुट का एक बीडिंग केज में 120 पियर है। तो इनको घूमने के लिए अच्छा खासा जगह मिल रहा है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं मछलियों को छोटा जगह में टॉर्चर कर रहा हूँ, इनको घूमने के लिए 4 फुट का जगह मिल रहा है। 4 फुट के टैंक पे सोचो ये सब है, 4 फुट का टैंक नहीं, ये वाला जो टैंक है ये 6.5 फुट से लेकर 7 फुट का है, बट टैंक का जो उनका जो घूमने का टैंक है वो 4 फुट का है। तो वो सब तो दिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पैकिंग का पूरा दिखाऊंगा, किस तरीके से मैं मछलियाँ पैकिंग करके आप लोगों को भेजता हूँ। और पैकिंग दोस्तों एक मेरा ऑफ़र है जहाँ पे मैं 7 वेराइटी का गप्पी आप लोगों को 1000 रुपये में देता हूँ, मतलब आप लोगों को 24 कैरेट गोल्ड एल्बाइनो फुल रेड, उसके साथ आपका चिली मोजाइक सुपर डम्बो प्लैटिनम रेटल प्लैटिनम डम्बो यार इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को जेड ब्लैक और क्या क्या था भाई, बहुत सारा गप्पी था। तो 7 पेयर गप्पी आप लोगों को मिल जाएगा 7 वेराइटी का 1000 रुपये के अंदर, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। तो उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन पे, वो सब लिंक दे रहा हूँ, सभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा ये सब पैकेज का। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।